अगला दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके 13, वो आएगा आपके चैप्टर नंबर 15 से आएगा। नौ क्षेत्रफल याद करना, वर्ध का क्षेत्रफल, वर्ध समझ आएगा आप, ये वर्ध देर का है तो वर्ध की परिधि, वर्ध का क्षेत्रफल, तृतीय खंड, लघु वर्ध खंड, इनके बारे में एक सवाल आएगा आपको। ये 15.1 और 15.2 में से आएगा, तो 15.1 और 15.2 में से आएगा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन या उदाहरण में भी से भी दे सकते हैं। तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट है या थोड़े से बड़े लगते हैं उनको आपको तैयार करना है। पहला आया वर्ध की परिधि देर की, हमें क्या याद करना है, क्षेत्रफल याद करना है। हमारे पास परिधि सूत्र क्या क्या करें परिधि याद करने का, 2πr, ये देर का है 44, 2 का 2, पाई का मान कितना देर का आपके 22/7, और त्रिज्या करनी है हमें याद करनी है, बराबर हो गया आपके 44। उसको उधर भेज देंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो r का मान कितना आएगा आपके 44 × 7/2 × 22। अब ये भी 44 है और ये भी 44 है, कट गया जी, तो बच गया आपके 7, और त्रिज्या कितनी आ गई आपके 7 आ गई। अब त्रिज्या आ गई, अब हमें ज्ञात करना है वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 7 इंटू त्रिज्या 7 × 7, ये कट जाएगा 154। या ऐसा आ जाए क्षेत्रफल देर का, हमें क्या ज्ञात करनी है परिधि। तो पहले क्या करो, इस जो हमारे पास वर्त का क्षेत्रफल देर का है उसे पहले त्रिज्या ज्ञात कर लो। पाई का मान कितना होता है 22/7, त्रिज्या करनी है हमें ज्ञात, बराबर कितना 154, उधर भेज दो तो 154 × 7/22 बाकी नहीं बार जाएगा 7 बार, यहाँ 7 2 बार है और यहाँ 8 2 बार है, स्क्वायर हट गया तो यहाँ से हट गाओ, यहाँ से हट जाएगा कितना आएगा 7। अब वर्त परिधि क्या कर लो, सूत्र लगा कर 2πr 2 × π का मान 7 कट जाएगा कितना 144। तो अगर ये देर का है क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, और क्षेत्रफल देर का है वापस परिधि पूछ सकते हैं, या फिर परिधि देर की है और पूछ ले आपसे व्यास याद करो, तो व्यास कहाँ से याद होगा, त्रिज्या याद हो गई, इसका डबल कर दो क्योंकि ये त्रिज्या है आदि, तो पूरा क्या होता है व्यास होता है, तो ये 7 का डबल कर दो। और अगर आपको अगर क्षेत्रफल देर का है तो परिधि आनी चाहिए याद करना, दोनों में से कोई पूछ ले आपके आना चाहिए एग्जाम। अब ये वाला देखो, साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने के लिए 5000 चक्कर लगाता है, चक्कर नहीं लगाता है ये चक्कर ऐसा, तो अगर ये एक बार घूमे ना एक बार, तो वो बनता है आपके वर्त की परिधि बनता है। अगर आपको वर्त की परिधि ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करना है, वर्त की परिधि किसके बराबर होगा, वो होगा आपके एक चक्कर के बराबर। कितना होता है, अगर ये पहिया एक चक्कर काट ले तो वो क्या कहलाएगी, आपके वर्त की परिधि कहलाती है। एक चक्कर हमारे पास दे रहा है 5000 चक्कर, मुझे याद करना है एक चक्कर याद करना है, तो देखो हमारे अगर एक चक्कर याद करना है तो हमारे पास दे रखा है 11 किलोमीटर और यहाँ कितने दे रखे हैं ये 5000 चक्कर में, तो एक चक्कर में कितना याद करना, ऐसा करते हैं ना याद, एक चक्कर में कितना 5 चक्कर, देखो भाग देंगे तो एक चक्कर का याद हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये 11 किलोमीटर दे रखे हैं, आप 64 मीटर में बदल सकते हो, 1 किलोमीटर में कितने कितने मीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000, तो क्या आएगा 11000 मीटर आ जाएगा। एक चक्र का मतलब देखो, हमें ज्ञात करना है वर्त का व्यास, एक चक्र का मतलब क्या होता है मैंने बताया अभी, क्या होता है वर्त की परिधि होती है। अब इस मीटर को किस में बदल दो आप, सेंटीमीटर में, तो किससे गुणा करना पड़ेगा 100 से, तो क्या करेंगे ये 11 था ही है, 2 जीरो और ले आएंगे और 3 पहले थे ही, ये क्या बन गया आपका सेंटीमीटर बन गए, बटा कितना आ गया आपके 5000, पहले तो था किलोमीटर उसको बदला मीटर में, फिर क्या आ गया आपके सेंटीमीटर आ गया। सूत्र क्या परिधि याद करने का, याद तो लगाओ 2πr, तो 2πr भी राइट है और पाई इंटू व्यास भी राइट है क्योंकि त्रिज्या का डबल, इन दोनों को हटा दो तो क्या लिख देंगे हम, व्यास लिख सकते हैं, तो वर्त की परिधि या व्यास भी लिख सकते हो। ये कितना बताओ, 0 0 काट दो, ये कितना है आपके 1100/5, पाई का मान 22/7, और हमें ज्ञात करना है व्यास 1100/5, उधर भेज साहब काट दो, ये कितना बताता है भाग 220 बार,
तो ये आ गया 220। अब ये उल्टा हो जाए उधर जाते ही, व्यास का मान कितना आएगा 220 इंटू 7 22, ये जाता है 10 बार, व्यास आ जाएगा आपके 70। अब यहाँ आप देख ले एक बार, जीरो क्या देखा, 24 रुपये प्रति मीटर की दर से वर्ताकार खेत पर लगानी बाढ़, बाढ़ लगाते हैं चार और, तो देखो तार बंदी लगानी चार और, तो कितना देर खर्चा, कितना देर का है खर्चा, देर का है 5,280 रुपये। ये भी रुपए है, ये भी रुपए है, तो रुपए में रुपए का भाग लगाएंगे ना, तो वर्ताकार वर्ताकार है, बाढ़ लगती है चार और, तो रुपए में रुपए का भाग लगाएंगे तो चार और क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके वर्त की परिधि आ जाएगी। तो बताओ वर्त की परिधि कैसे याद करेंगे, वर्त की परिधि हो जाएगी, ये क्या नाम है, ये खर्चा बटा दर। जैसे अगर देखो ये परिधि कितनी आती है, तो मान लो जो भी इसकी परिधि है, जैसे मान लो 20 परिधि है और खर्चा याद करना है, तो इसे गुणा करने के बाद रुपया आता है, अब बस भाग दे दो। अगर कहते हैं ना वर्त की परिधि 10 है, अगर मान लो भाई चार वर्त की परिधि 10 है, ये कह दे एक पर खर्चा रहे आपके 5 रुपये का, तो कुल खर्चा कितना आ जाएगा 50। अब वापस परिधि निकालने क्या करना पड़ेगा, इस खर्चे में क्या करेंगे हम, दर का भाग लगा देंगे, वापस क्या आ जाएगा 10। तो हमें हमारे पास यही दे रखा है, खर्चा दे रखा है, हम खर्चे में दर का भाग लगाएंगे, तो हमें क्या याद हो जाएगी, वर्त की परिधि याद हो जाएगी। तो बताओ वर्त की परिधि सूत्र क्या याद करने का, 2πr। खर्चा कितना 5,280 रुपये और यहाँ कितना है आपके 22, भाग दो 24 का भाग दो, ये भाग जाएगा 2 बार, फिर से 2 बार जाएगा, तो 2πr बराबर हो गया 220। ये वाला हो गया आप वर्त की परिधि बराबर कितना हो गया आपके 220 सेम, बस ये आपके 2 का 2 पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या बराबर 220। आप चाहो तो यहाँ पर व्यास का भी प्रयोग ले सकते, व्यास लोगे तो 70 आएगा और त्रिज्या कितनी आएगी आधी 35। अब उधर भेज दो, आर का मान कितना आएगा 220 इंटू 7/2 इंटू 22, ये जाएगा आपके 10 बार, 70/2 35, त्रिज्या आधी होती है और व्यास क्या होता है डबल। अब इसमें खेत में जुताई करवानी है, जोतना है खेत को, और खर्चा कितना दे रखा है 0.50। खेत हमेशा यहाँ पर अगर कोई फसल बोनी है ना, तो यहाँ पर खेत को चलाना पड़ यहाँ पर ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा। तो देखो बाहर तो लगाते हैं चार और, लेकिन अगर आपको किस कोई फसल बोनी है तो यहाँ पर ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो ध्यान देना, ये क्या है वर्त का क्षेत्रफल, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें वर्त का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी 35 × 35, ये भाग जाता है किसमें बार 5 बार, 22×5 = 110 × 35, गुणा कर लो 3,850 m². अब 1 मीटर खर्चा कितना दे रखा है 0.50, 1 मीटर² पर खर्चा दे रखा है 0.50, तो बताओ 3,850 m² पर कितना आएगा 3,850 × 0.50, मतलब आधा रुपये, आधा कर दो 38 का आधा 19, 50 का आधा 25 रुपये, तो खर्चा कितना आएगा 1,925 रुपये खर्चा आएगा। अगला आया देगा आपके, त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और कौन दे रहेगा कितना आपके 60 डिग्री, हमें याद करना है चाप की लंबाई और त्रिज्या खंड याद करना है। देखो ध्यान देना, ये है वृत्त, वृत्त की ये दे रखी है आपके त्रिज्या वो है 7 और दोनों दो त्रिज्या देंगे कौन का बीच में कौन कितना दे रहेगा 60 डिग्री, हमें याद करना है एक तो चाप की लंबाई, मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये पूरी क्या होती 2πr, तो अगर ये वाली याद करनी है तो क्या आ जाएगी आपके 2πr θ/360, मुझे ज्ञात करनी है चाप की लंबाई। देखो चाप की लंबाई ये परिधि है, बस परिधि का थोड़ा सा भाग है, पूरा है तो 2πr, ये थोड़ा सा भाग क्या आएगा 2πr θ/360, यहाँ लिख सकते हो πr θ/180 भी लिख सकते, एक ही बात है, ये कट जाएगा इससे। अब आप चाहो πr θ/180 भी लिख सकते हैं, 2 का 2 π का मान 22/7 त्रिज्या 7 कोण 60/360, आप चाहो तो πr θ/180 भी हो सकता है, ये वाला πr θ/180 भी हो सकता है, ये भाग कितना आता है आपके 3 बार, 7 से 7
क्या आया? 22/3। अब हमें याद करना है त्रिज्या खंड। अब हमें क्या याद करना है? हमें याद करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद करना है। तरीके दो दो है। एक तरीका है आपके, देखो त्रिज्या खंड का है तो मतलब ये वाला भाग देखो, पूरा भाग आए ना पूरा कंप्लीट, तो क्या होता है वर्थ होता है। क्या होता है वर्थ? सूत्र का क्या करने का? पाई आर स्क्वायर। अगर यही भाग याद करना है तो ये पाई आर स्क्वायर का भी भाग है। जैसे ये आया था ना परिधि का भाग, तो 2π θ/180 360 करना है। और अगर क्षेत्रफल का भाग है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी? त्रिज्या है 7 × 7 × 60/360। ये भाग जाता है इसमें कितनी बार? आपके 6 बार। और ये जाएगा आपके 3 बार, और ये जाएगा आपके 11 बार। साथ साथ कट गया, कितना आया? 77/3। आप चाहो तो एक तरीका और भी है, वो है आपके 1/2 × चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। अब दो 1/2 × 1/2 चाप की लंबाई हमने अभी ज्ञात की थी, ये है आपके 22/3। और साथ में त्रिज्या कितनी दे रखी है? 7। सवाल में आ जाए चाप की लंबाई ये है और इसका जो त्रिज्या दे रखी 7 है, ऐसा आ जाए सवाल के अंदर। त्रिज्या दे रखी है और साथ में दे रखी है चाप की लंबाई 22/3। ये दोनों दे रखे हैं ना, तो इससे ज्ञात करते हैं। और ये दोनों दे रखे सीधा सूत्र भी है ज्ञात करने, कितना हो जाएगा भाग कितनी बार जाएगा? 11 बार आता 77/3, यही आएगा सेम। अब अगर आपको ज्ञात करना हो, मुझे याद करना है दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या याद करना है? दीर्घ त्रिज्याखंड का ज्ञात करना है। सूत्र सेम लगेगा, लघु त्रिज्याखंड तो पूरा कितना होता है? 360। अगर ये वाला 60 है तो ये वाला कितना आएगा आपके? 300 आ जाएगा। सूत्र क्या लगेगा ध्यान देना? पाई आर स्क्वायर थीटा लगाना, यहाँ पर जाकर लिखना आपको 360 − θ/360। मतलब यहाँ अगर 60 आता है तो वहाँ कितना आएगा? 300 आएगा। सेम सूत्र है ये वाला ही, फर्क है यहाँ कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 × 7 × 360 गए 300/360। मतलब लघु त्रिज्या खंड याद करना है तो लेना है कोण आपको 180 से कम। अगर यहाँ वाला कोण 180 से कम है वो तो है लघु त्रिज्या खंड, और अगर ये वाला कोण 180 से ज़्यादा है तो क्या आ जाएगा? दीर्घ त्रिज्या खंड आ जाएगा। अब ये भाग जाता है आपके 5 बार, ये जाता है 6 बार, ये जाता है आपके 11 बार, ये जाता है कितनी बार? 3 बार, दो का भाग। तो ये आएगा आपके 11 काट दो 11 आते हाथ में 35 × 11 385/3 कितना आ जाएगा? 3। ये तो है लघु त्रिज्याखंड, ये दीर्घ त्रिज्या, दोनों लघु भी आ गया और दीर्घ भी आ गया। लघु में ये कौन लेना है और दीर्घ में आपको ये लेना है। अब है आपके क्वेश्चन नंबर दो में ध्यान देना, ये है आपके वर्थ। वर्थ की क्या दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 21। ये आ गया 21 और यहाँ पर कितना आ गया? 21। तो हमें पहले ये वाला भाग याद करना होगा। इसे क्या बोलते हैं? अभी बताया था, इसे बोलते हैं त्रिज्या खंड बोलते हैं। सूत्र क्या लगेगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। देखो मुझे याद करना है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल याद करना है। सूत्र क्या आएगा आपके? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। लेकिन ये सूत्र लगाएंगे ना तो ये पूरा ज्ञात हो जाएगा। ये मुझे क्या चाहिए? केवल लघु वृत्त खंड चाहिए। मतलब कौन सा भाग? मुझे ये वाला भाग चाहिए, ये भाग चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा आपको? इस पूरे भाग में से क्या माइनस कर देंगे? ये त्रिभुज क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। जो देर त्रिभुज देर का है वो माइनस कर देंगे। सूत्र क्या ज्ञात करने का? −1/2 क्या जाएगा? आर स्क्वायर साइन कितना डिग्री? यहाँ 90 हो तो 90 लगाना है, 120 लगाना है, 120 डिग्री ले देंगे। यहाँ ले देंगे हम 120 डिग्री, और साइन 120 आए तो उसका मान आपको मानना है साइन 60 ही, ऐसा मानना। क्योंकि साइन 120 का और साइन 90 का मान एक, साइन 120 का और साइन 60 का मान एक ही होता है। तो यहाँ क्या आएगा? पाई का मान कितना होता है? 22/7। और त्रिज्या कितनी दे रखी है आपके? 21 × 21 × कौन कितना दे रखा है? 120/360 −1/2 आर कितना है?
21 इंटू अंडर रूट 3/2 साइन 120 का मान भी आपको अंडर रूट 3/2 ही मानना, इंटू 2 करने की जरूरत नहीं, आपको डबल करने की जरूरत, यही मान होता सेम। देखो ये सूत्र तो है आपके इसका पूरे का, इसमें से माइनस करेंगे सूत्र क्या त्रिभुज के साथ, तो क्या करने का 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये रहा आधार और ये रहा ऊंचाई, आधार भी त्रिज्या ऊंचाई भी, तो इसलिए क्या आर स्क्वायर आ गया। अब लेकिन ये सूत्र तभी लगता है जब यह 90 डिग्री कौन हो, लेकिन 90 डिग्री है ही नहीं, तो हमने इसको 90 डिग्री बनाने के लिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, साइन लिख, क्या लिख दिया यहाँ पर, साइन लिख दिया। साइन से क्या होता है कि मान ऑटोमेटिक समकोण त्रिभुज की तरह बन जाता है। अब हल करो उसको, ये भाग दिन बाद आपके 3 बार, ये भाग दिन बाद आपके 3 बार, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ कितना आएगा 22 इंटू 21, यहाँ पर ये कितना होता है 441/4 अंडर रूट का 3 आ जाएगा। अब ये गुणा करो कितना होता है, 21 होता है 441, एक ही और जोड़ लो तो 462। अब यहाँ पर आपके जैसे यहाँ अंडर रूट 3 का मान अगर दिया हुआ है तो वो आपको लिखना पड़ेगा 1.732 है, तो अगर नहीं दिया हुआ ना तो आपके ये वाला उत्तर राइट है। बस यहाँ पर ये लिख देना 462 माइनस 441/4 अंडर रूट 3, ये उत्तर राइट है अगर अंडर रूट 3 का मान दिया हुआ नहीं है तो, दिया हुआ है तो पूरा हल करना पड़ेगा। हल करो इसके लिए गुणा भाग करना है, 441 इंटू 1.732 भाजक कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपके 190.95 आ जाएगा। अब घटा दो माइनस 462, ये आ जाएगा आपके 271.05। अब देखो हमने कौन सा भाग याद किया, हमने भाग याद किया है ये वाला लघुवर्तन ज्ञात कर लिया है। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, दीर्घ वर्तखंड ज्ञात करना है। दीर्घ वर्तखंड में आपके कौन सा ये वाला भाग नहीं था, किस कौन सा ये वाला भाग, कैसे ज्ञात करेंगे, पहले लेंगे हम पूरा वर्त, वर्त का क्षेत्रफल लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे ये लघु वर्तखंड, अगर ये लघु वर्तखंड घटा देंगे पीछे क्या बच जाएगा दीर्घ वर्तखंड, हम क्या माइनस कर देंगे लघु वर्तखंड, क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। सूत्र क्या वर्ग तो क्या करने का पाई आर स्क्वायर, और इसका सूत्र क्या है, ये दे रखा है याद करने की, कितना है 271.05। वैसे यहाँ पर ज़्यादातर साइन 90 का मान दिया हुआ है ताकि आराम से आप याद कर सको, ज़्यादा आपके अंडर रूट में नहीं आया उत्तर। अब देखो अंडर रूट पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 21 इंटू 21 माइनस 271.05। अब ये भाग जाता है आपके कितनी बार, 3 बार। अब ये 22 इंटू 63, ये होता है आपके 1386 माइनस 271.05, ये घटा दो 271.05, ये आता है आपके 1114.95, ये घटा दो ज्ञात हो जाएगा। ये आपको आना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही वाला पॉइंट है, लघुवर्त कंसेप्ट से क्षेत्रफल ज्ञात करने सारे सारे आने चाहिए। हेलो उसने ध्यान दो, अब अगला दीर्घ है आपके घड़ी का दीर्घ है, तो जैसे ध्यान देना घड़ी में 3 कांटे होते हैं, तो सुई का एक तो होता है सेकंड का कांटा, एक होता है मिनट का और एक होता है घंटे का कांटा, छोटा कांटा से ना। सबसे पहले बता दो मिनट का सुई का ध्यान देना, ये है घड़ी, घड़ी में मिनट का कांटा अभी यहाँ है, अभी कहाँ पर है आपके यहाँ पर, इसने कहा 20 मिनट बाद, तो देखो यहाँ होता है 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट और 20 मिनट, 20 मिनट बाद जितना क्षेत्रफल आएगा उसका एरिया क्या करना हमें ज्ञात करना है। बताओ ये वाला भाग क्या है आपके त्रिज्या खंड, हमें ज्ञात करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बताओ सूत्र क्या है ज्ञात करने का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 300। तो त्रिज्या हमारे पास कितनी रखी है, जितनी सुई की लंबाई है वो क्या कहलाएगी इसकी त्रिज्या कहलाएगी, तो यहाँ दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई है आपके 7 सेंटीमीटर। अब मुझे ज्ञात करना है कौन, अब देखो मेरे पास दे रखा है टाइम, दे रखा है 20 मिनट, 20 मिनट बाद गाड़ी यहाँ आई, जैसे यहाँ दे रखा है आपके एक, यहाँ कितना दे रखा है 20 मिनट दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ कौन कितना बना, कौन क्या करना पड़ेगा ज्ञात करना। अब ये मिनट की सुई है, तो मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक कितनी देर पहुँचती, पूरा 300, देखो 60 मिनट में कितना डिकॉम बनाती है,
ये मिनट की सुई है, ध्यान देना, मिनट की सुई में और घंटे की सुई दोनों फर्क है। देखो मिनट की सुई एक घंटे बाद, अभी 12 बज रहे हैं तो एक बजने के लिए वापस क्या करना, वापस घूम के यहाँ आएगी। तो देखो मिनट की सुई 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा रचित कोण, द्वारा रचित कोण बताओ कौन सा, कितना डिग्री कोण बनाती है, 360 डिग्री कोण बनाती है अगर ये पूरा घूम जाती है तो। पूरा कितना बनाती है, 360, कितनी देर में, 60 मिनट में। तो बताओ एक मिनट में कितना बनाएगी, 360/60 कितना कोण बनाती है, 6 डिग्री, भाग दे दो कितना आएगा, 6 डिग्री। मतलब यहाँ से एक मिनट में जो कोण बनता है वो कितना डिग्री कोण बनता है, 6 डिग्री कोण बनता है। तो हमें कितना मिनट का है, 20 मिनट का है। तो बताओ 20 मिनट में कितना बनेगा, 20 मिनट में याद कर लेंगे 6 डिग्री × 20 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 120 डिग्री। कौन ज्ञात हो गया, अब आप सूत्र कौन ज्ञात हो गया, अब पहले बताया था सेम वैसे ही आप सूत्र ज्ञात करना है। सूत्र क्या है बताओ, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी, 7 × 7 × 120/360, ये काट देंगे भाग जाएगा 3 बार और 7 से कट गया, उत्तर कितना आया, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। घड़ी वाला जो सवाल है उसमें मेन है आपके वो कोण ज्ञात करना, क्योंकि उसमें टाइम दिया हुआ है और टाइम के हिसाब से यहाँ कितना डिग्री कोण बनता है वो करना है आपको, ज्ञात करना है। ये तो है मिनट की सुई का, अब दूसरा है घंटे की सुई हो तो, अब वो घंटा वो बिल्कुल धीरे धीरे चलती है, एक घंटे में आती है कितने पर, 12 बजे, तो अब कितनी बजेगी, 1, फिर 1 घंटे बाद कितनी बजेगी, 2, फिर 3 घंटे बाद कितनी बजेगी, 3। तो ये देखो ध्यान देने से बंद हो जा रही, इधर देख ले, ये घड़ी के घंटे की सुई है, अभी बज रहा है 12 और आपको यहाँ है 1, यहाँ दे रखा है 2, देखो 1, 2 और कितना हो गया यहाँ पर 3। घड़ी का काटा यहाँ से यहाँ तक आने में ये टाइम क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। वैसे होते कितने, 90 मिनट होते हैं, 90 डिग्री कौन होता है यहाँ, तो सिंपल तरीके से यहाँ को पूरा ज्ञात करना है। 180 मिनट लिखा हुआ है, कोई कोई जरूरी नहीं 180 मिनट वहाँ आए, वहाँ पर 90 मिनट भी आ सकता है या दूसरा कोई भी आ सकता है। कैसे ज्ञात करना है, देखो ये तो मिनट की सुई है जो एक घंटे बाद यहाँ पहुँच जाती है, लेकिन घंटे की सुई छोटी वाली है तो ये कब घूमेगी, वापस कब आएगी, अभी बजी है 12, वापस 12 कब बजेगी, 12 घंटे बाद बजेगी, सुबह के 8 बजे हैं, वापस से 8 कब बजेंगे, शाम को, वो भी 12 घंटे बाद। तो 12 घंटे बाद अभी आपके अगर 12 बजे हैं तो वापस 12 कब बजेंगे, आपके रात के 12, तो ये पूरा घूमे कितनी देर में, 12 घंटे में। तो यहाँ पर घंटे की सुई क्या करती है, 12 मिनट में, 12 घंटे में, 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा कोण, इस सुई द्वारा कोण कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। तो बताओ एक घंटे में कितना बनेगा, इधर ध्यान देगा पहले, 12 घंटे में कितना बनता है, 360, तो बताओ एक घंटे में कितना डिग्री कोण बनेगा, 360/12, वो बनता है 30 डिग्री का। एक घंटे मतलब अभी 12 बजी है तो ये बज जाएगी 1, 1 बजने में कितना डिग्री कोण लगाती है आपके, 30 डिग्री का कोण। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। अब चाहे यहाँ पर एक घंटे में 30 डिग्री बोलो या ऐसे 60 मिनट बोलो, बात एक ही है, एक घंटे में कितने मिनट होता है, 60, तो इसमें उसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे एक घंटे लिखो चाहे 60 मिनट, एक घंटे में कितने डिग्री कौन बनता है, 30 डिग्री, तो 60 मिनट में कितना बनेगा, 30 ही बनेगा, 60 मिनट में कौन कितना बनेगा, 30 डिग्री ही बनेगा, एक ही बात है, एक घंटे में 30 बोलो या 60 मिनट 30 बोलो, मतलब तो एक ही है, हमने इसको चेंज कर दिया। अब 60 मिनट में कितना कौन बन रहा है, तो बताओ एक मिनट में कितना बनेगा, 30, ये आ जाएगा आपके 30/60, ये गुणा तो भाग में जाएगा। अब मुझे कितना बताना है, 180 मिनट का है, तो बताओ 180 मिनट में कितना बनेगा, ये आ जाएगा 30/60 × 180, ये भाग जाता है आगे कितनी बार, 3 बार, कितना डिग्री कौन आएगा, 90 डिग्री। और अगर जल्दी करना है, शॉर्ट में करना है तो कैसे करना, ध्यान देना, जब मिनट की सुई दे रखी हो तो करना क्या है, इस टाइम को आप सीधा 6 से गुणा कर लो, क्योंकि वो 6 डिग्री कौन बनाती है, और अगर घंटे की सुई है तो किसे गुणा करना है आपको, आधे डिग्री से, आधे से गुणा करना है, जब घंटे की सुई हो तो आधे से गुणा करना है, क्योंकि नियम है कि घंटे की सुई एक मिनट में केवल आधा डिग्री इधर से आती है, केवल कितना डिग्री आती है, आधा डिग्री आती है इधर, तो ये आपको ध्यान देना है, आधे से गुणा कर लोगे 180 आता गुणा तो भी 90 आता, अगर आपको नहीं आए तो ये पूरा आ रहा है कम्प्लीटली, ऐसा लिखो
और आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो सिंपल लिखना सीधे ही, घड़ी के घंटे की सुई एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। और इसके लिए क्या लिखोगे, घड़ी की मिनट की सुई एक मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है, 6 डिग्री। कितना डिग्री कोण बनाती है, 6 डिग्री कोण बनाती है। ये तो बनाती है 6 डिग्री कोण, लेकिन छोटी डिग्री देखो, सुई छोटी है, घंटे की सुई है तो वो बिल्कुल धीरे चलती है, क्योंकि एक घंटे में वो इतना सा यहाँ से यहाँ आती है, लेकिन मिनट की सुई एक घंटे में तो पूरा वापस घूम जाती है। तो इसीलिए ये कोण कम बनाती है, आधा डिग्री बनाती है, और ये कितना बनाती है, 6 डिग्री कोण बनाती है। सीधा करना चाहो सीधा भी कर सकते हो, और आपको पूरे विस्तार से आता है तो पूरे विस्तार से कर लो। अब कोण मेरे पास याद हो गया, मुझे क्या याद करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दे, त्रिज्या कितनी दे रखी है आपके, 14 सेंटीमीटर, और कोण कितना दे रखा है आपके, 90 डिग्री। मुझे क्या याद करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई का मान, त्रिज्या 14 × 14 × 90 बटा, ये भाग जाए कितनी बार, 4 बार, 4 × 2 = 7 बार, यहाँ भी 2 तो 7 बार, ये काट लो, उत्तर क्या आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।